हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभियंता क्लासेस। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभियंता क्लासेस में। तो आज बात करने वाले हैं बिहार जेई भर्ती 2020 के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप BTSC जेई, UDSD जेई, MWRD जेई का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई बिहार जेई भर्ती से रिलेटेड न्यूज लाऊं, यानी BTSC, UDSD, MWRD, LRC, PRD, इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है, तो आपको सबसे पहले न्यूज मिल सके और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज से भी आपको अवगत कराया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहां पर बात करने वाले हैं BTSC जेई, UDSD जेई, MWRD जेई, हो जाए सावधान। आखिर इस वीडियो में क्या है कि सावधान होने के लिए बोला जा रहा है? तो एक बात बता दूं आपको कि UDSD के तरफ से काफ़ी सारे कॉल आ रहे थे, काफ़ी सारे कैंडिडेट के पास फेक कॉल आ रहे थे कि इतना पैसा दीजिए तो आपको नगर विकास एवं आवास विभाग में ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। लेकिन वो ओरिजिनल कॉल नहीं है, कोई बिचौलिया कॉल कर रहे हैं, कैंडिडेट के पास कॉल कर रहे हैं कि इतना पैसा दीजिए, सीधे अकाउंट में डलाने के लिए बात कर रहे हैं। हो सकता है BTSC जेई का भी वही हाल कर दे कहीं मेरिट लिस्ट आने के बाद। तो आप लोग सावधान हो जाइए कि कोई भी कॉल आए तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा ना दीजिए। पहले तो यहाँ पर पैसा देने की बात ही नहीं सोचिए, एक ठोक भी नहीं सोचिए कि हमको पैसा देना है और जॉब करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ कोई मांग रहा है 50,000, 1,00,000 मांग रहा है तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, क्या आप जान रहे हैं कि वो आदमी कौन है? नहीं आप जान रहे हैं, वो आदमी कोई अलग बिचौलिया है। विभाग की ओर से कॉल नहीं किया जाता है, आपसे ठगी किया जा रहा है, आपसे पैसा ठगा जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट के पास कॉल आए हैं और पैसा की मांग की जा रही थी UDSD में। हो सके तो BTSC में भी यही किया जाए, कॉल अलग अलग तरीके से किया जाएगा, तरह तरह के लोग करेंगे कॉल, आपके नंबर तो ले ही लेते हैं जहाँ तहाँ से, हमको तो पता है, और फिर आपसे पैसा मांग लिए जाएंगे, पैसा आपके ऐंठ लिए जाएंगे और आप रह जाएगा। ऐसे कोई ज्वाइनिंग फाइनिंग नहीं होने वाला है, पैसा ले लेगा लेकिन कोई ज्वाइनिंग फाइनिंग कराएगा नहीं, उसको तो संपर्क ही नहीं खुद है, वो पैसा ठगने के चक्कर में लगे हुए। आजकल जान ही रहे कि कैसा ज़माना चल रहा है। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि कहीं से किसी प्रकार का भी कॉल आए कि आपको इस यहाँ नौकरी दिलवा देंगे, यहाँ ऐसे करवा देंगे, यहाँ JEE बनवा देंगे, यहाँ इंजीनियर बनवा देंगे, इस तरह के आप कॉल से बचे, फर्जी जगह पर पैसे ना डालें। अगर आप कॉल आता है तो यहाँ पर आप कहीं भी पैसा ना दें, आपको अकाउंट नंबर देगा, सारा डिटेल ऐसे उसे बोलेगा, हम यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, फलाना चिलना, ये सब सारी बातें करेगा, लेकिन आप उसके जाल में ना फंसे। हाँ, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप दे सकते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपके पास विश्वास है कि हाँ हो जाएगा, करवा देगा, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको यही कहूँगा कि कहीं से फेक कॉल आए, फेक कॉल आता ही है, कहीं भी विभाग से कॉल नहीं आता है आपको कि हाँ इतना पैसा दीजिए आपको हम JEE बना देंगे, विभाग से कॉल नहीं आता है, फर्जी कॉल आता है, बिचौलिया रहते हैं, अलग अलग तरीके से फोन कॉल करेंगे आपको, ठीक है? तो आप लोग ये फर्जीवाड़ा से बचे, पैसा ना भेजे कहीं भी, और उस तरह का अगर कॉल आए तो आप रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको रिकॉर्डिंग करके वायरल कीजिए, वायरल या नज़दीकी थाना में आप जाकर बताइए कि हाँ यहाँ से कॉल आया है इस नंबर से और ये हमें इतना ये विभाग में ज्वाइनिंग कराने के लिए इतना पैसा मांग रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम आज की वीडियो में यही आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं BTSC, UDSD, MWRD में, तो ये सबसे सावधान हो जाइए, बिचौलिए से सावधान हो जाइए, किसी भी तरह का कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर भाग्य में होगा तो आपका ज्वाइनिंग ऐसे ही हो जाएगा, अगर आपके भाग्य में होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई कहीं कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करने वाले थे, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।